नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो सभी दोस्तों का एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर आप वीडियो एक दिन गैप हो गया, दो दिन गैप हो गया, तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों आपको कि थोड़ी तबीयत में प्रॉब्लम आ गई थी, उनको फीवर हो गया था, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दर्शकों से। और आज थोड़ा बहुत मैं ठीक हुआ हूँ क्योंकि पीसीएस जो है 24 तारीख को पेपर है, तो उसके लिए जो है मुझे भी जल्दी है, मुझे भी इमरजेंसी, आप लोगों को मैं बता दूं और क्वेश्चन वहीं से आए और बाद में पेपर देके आप मुझे थैंक यू बोलो। तो मैं भी यही चाहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालना चाहता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थे इसलिए नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत दुखी हूं, आपसे माफी मांगता हूं दोस्तों। तो जैसा कि शेड्यूल में था कि पहले आपने हिस्ट्री पढ़ा, दूसरे की आप ज्योग्राफी पढ़ा, तीसरा आपका शेड्यूल में पॉलिटी रहा होगा, लेकिन दोस्तों जो है पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर नहीं बन पाया है, अभी जो है फिलहाल इन्वायरमेंट का बना है जो कि हमने आगे 21 तारीख को करा था, उसको बैक करके हम जो है आप आज 19 तारीख को कर रहे हैं दोस्तों। 19 सितंबर को आज हम इन्वायरमेंट के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। इन्वायरमेंट का मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण, जो है पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पर बहुत ध्यान दे रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की खुद गवर्नमेंट एनडीए की हो, जैसे कि क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अखिलेश यादव ने चलाया था, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था, और इसी प्रकार से क्लीन एमपी, ग्रीन एमपी चला, और भी जो है वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं जगहों पे साफ सफाइयां चल रही हैं, नर्मदा नदी और गंगा नदियों की सफाई चल रही है। तो दोस्तों जो है इस प्रकार से देखा जाए तो इन्वायरमेंट का जो है हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो है बिना इन्वायरमेंट अच्छा रहे हम ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे और जो है कई दिक्कतें होंगी। तो आइए दोस्तों हम लोग पीसीएस के लिए जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है, मैं 100 प्रश्न आपको बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस आगामी 24 सितंबर को है, और उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर दोस्तों 15 अक्टूबर 2017 को निर्धारित डेट अभी तय है, तो उसके लिए जो है मैं साथ साथ जो है इन्वायरमेंट की भी तैयारी कर रहा हूँ आप दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों। और भी हाल स्टार्ट में जैसे भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी प्रदेशों के लिए, ये हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन जो मुहिम चला रहा है क्रैश कोर्स का, वो सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं आज जो आने की संभावना है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की टीम में 6-7 लोग हैं, वो लोग सभी लोग मिलके क्वेश्चन को बनाते हैं, इसके बाद फिर जो है सीनियर लोग उसको देखते हैं और उसमें से प्रश्न को छटाई करते हैं। तो जो प्रश्न छटे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आइए जो है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो प्रश्न है वो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप इसको वीडियो को देखिए और जो है आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस और यूपी टेट की अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो जो लोग अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं दोस्तों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज मेरी थोड़ी आवाज जो है धीरे जा रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी गले में खराश थी, तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना तेज बोलने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आइए जो है आज का इन्वायरमेंट में जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, रुंधरों का पुलना बंद होना निर्भर करता है किस पर? रुंधरों का जो पुलना बंद होना जो है, ये खुलना बंद होना इसको जो है ये प्रकाश पर जो है निर्भर करता है दोस्तों। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं जो छोटे समय के लिए पौधे हैं उनका काम, जैसे वो तंबाकू और सोयाबीन के पौधे हैं, इस सोयाबीन को इंग्लिश में न्यूट्रेला कहते हैं दोस्तों। तो इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो आपका जैवकीय क्रिया है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की अगली कड़ी में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व जो है आपका वो मैग्नीशियम है दोस्तों, और वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व आपका पोटेशियम है दोस्तों। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है छठे हुए प्रश्न इन्वायरमेंट के बताए जा रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा। तो दोस्तों जो है इसके अगला प्रश्न जो आपका है वो, सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी है कौन सी? आपसे यूपी टेट में बहुत बार पूछा जाता है मिट्टियों के बारे में, चाहे वो काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, कोई सी मिट्टी हो, तो वहां अगर आप प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस या टेट के लिए, तो आप लगाइएगा सर्वाधिक जो उर्वरक मिट्टी है वो दोमट और जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों आपका सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी। इसके बाद सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं डीप इकोलॉजी, मतलब गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो आपका जो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी का शब्द प्रयोग करने वाले हैं उनका नाम है अर्नीज नेस, 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी का जो है प्रयोग हुआ था शब्द का। इसके बाद श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पति में मिलती है? तो आपका जो है मैग्रेव में वो श्वसन मूल वनस्पति मिलती है दोस्तों। कीट बच्ची पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो किस टाइप के कीट बच्ची हैं? जैसे आपका माइकोराइजा जो है कीट बच्ची हुए पौधे हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद जो है प्रश्नों की संख्या में दोस्तों आगे बढ़ते हुए,
श्वसन की क्रिया है, आपकी जो श्वसन की क्रिया होती है सांस लेने की, वो अपचायक है दोस्तों, अपचायक है दोस्तों। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है तो आप बताइएगा, लाल व नीला मतलब रेड एंड ब्लू, आपके जो लाइट है प्रकाश है उनमें प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है लाल और नीला रंग में। दोस्तों सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। प्राकृत का मेहतर किसे कहा जाता है अगर आपका प्रश्न आता है तो उत्तर है आपके लिए अपघटक एवं कवक को। इसके बाद दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है दोस्तों। इसके बाद प्राकृत की एक क्रियात्मक इकाई है, जो प्रकृति की जो नेचुरल की जो यूनिट है इकाई है वो किस प्रकार की क्रियात्मक इकाई है, वो आपका पारिस्थितिक तंत्र इकाई है दोस्तों। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है तो प्रत्येक पोषण तल पर 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है दोस्तों। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्वेश्चनों की सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो छठे हुए प्रश्न है जो एग्जाम में आने की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फर्जी प्रश्न नहीं है दोस्तों, आप जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, आपका जो आंसर है वो बी नाइट्रीकरण द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, बी नाइट्रीकरण आपका उत्तर है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं परंतु धान का पौधा, जो आपका धान इस टाइम जो सीजन चल रहा है धान का, वो धान का पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है किसके कारण दोस्तों, तो आपका अमोनियम के रूप में जो है ये धान का पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है अमोनियम। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की अगली कड़ी में दोस्तों, ये बहुत ही छठे हुए प्रश्न है दोस्त, आप लोगों के लिए पीसीएस हो चाहे यूपीटेट हो सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो है, विश्व की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है, विश्व की अधिकांश वर्षा जो होती है आपकी किस रूप में होती है तो पर्वतीय वर्षा के रूप में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, अधिकांश वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा के रूप में। महासागर की जो औसत लवणता होती है, जो महासागर है उनकी जो औसत लवणता है वो है आपकी 35% दोस्तों, 35%। इसके बाद जो है महासागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं तो आपका बेंथान, जो सागर के तली पर रहते हैं दोस्त बेंथान को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग वांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ मृदा है उनको हम लोग खादर बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है अगले प्रश्नों की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए, हाथी धान जो है किस बायोम की प्रमुख धान है, हाथी घास किस वायोम की प्रमुख घास है तो हाथी घास जो है सवाना वायोम की प्रमुख घास है दोस्तों। इसके बाद जो है आप आगे बढ़िए प्रश्नों की अगली कड़ी में आप आगे बढ़िए, तो आपको जो है घास प्रदेशी वायोम आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एनवायरमेंट में पूछा जाता है और मैं करंट को भी साथ में एनवायरमेंट से जितने करंट के मुद्दे हैं मैं सबकी चर्चा साथ में कर रहा हूं दोस्तों, आपको अलग से एनवायरमेंट के लिए करंट नहीं पढ़ने की जरूरत है। जैसे घास प्रदेशी जो वायोम है वो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को समग्र रूप में सवाना घास मैदान कहते हैं, जो है सवाना घास मैदान किसको कहते हैं दोस्तों, सवाना घास मैदान जो है आपको घास प्रदेशी वायोम में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को समग्र रूप से सवाना घास मैदान कहते हैं। आपके प्रश्नों की अगली कड़ी में दोस्तों, शीतोष्ण जो सवाना है, सवाना घास अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों, सवाना घास शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो आपको मैं बता रहा हूं कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयर नाम से है, यूरोप में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये जो आपके शीतोष्ण घाट के घास के मैदान है जो अलग अलग देशों में आपको मैंने बताया दोस्तों। इसके बाद शीतोष्ण जो घास प्रदेश जो है विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध भंडार के क्रोड स्थल भी है, शीतोष्ण घास प्रदेश जो है वो विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध भंडार के क्रोड स्थल भी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के क्रम में, जो सागरी वायोम है दोस्तों वो आपका प्राथमिक उत्पाद में आपका है शैवाल, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो भी है जूम्प्लैंकटन। इसके बाद जो है प्रवाल भित्तियां विश्व की सागरी जैव विविधता के उष्ण स्थल हैं,
इसे समुद्र का वर्षा भी वर्षा वन भी कहते हैं, जो है हॉट स्पॉट समुद्र का वर्षा वन भी इसको कहा जाता है, वो है विश्व की सागरीय जैव विविधता के उष्ण स्थल है प्रवाल भित्तियां, इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। दोस्तों जो भारत में प्रवाल भित्तियां हैं वो जैसे मन्नार की खाड़ी में हो गया, कच्छ की खाड़ी में हो गया, कच्छ की खाड़ी में दोस्तों सबसे कम पाया जाता है भारत में प्रवाल भित्ति, और लक्षद्वीप हो गया आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो उसको पोर्ट ब्लेयर, जो आपका जो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र भी वहीं बना है, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है, द्वीप समूह में। इसके बाद दोस्तों रामसर संधि, इसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रभूमि संधि, ये जो है कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामस ने किया था, और 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था राम संधि या आर्द्रभूमि संधि, रामसर संधि या आर्द्रभूमि संधि। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित करने किया जा रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है, तो 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है वनों का रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है। शीर्ष 4 वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य, जो शीर्ष जो है हमारे भारत में 4 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा वनों से घिरे हुए हैं, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और 4 न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र जो सबसे कम जहां वन पाए जाते हैं जिस प्रदेश में, वो हो गया हरियाणा, पंजाब, गोवा और सिक्किम। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका जो है झांसी के, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 से लागू है दोस्तों। इसके बाद जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहां पे पड़ता है दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये देहरादून में पड़ता है, अगर आप IFS होते हैं UPSC के थ्रू तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो है ग्राउंड में भी होता है दोस्तों। ये भारत की जो है वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है और उसे प्रकाशित करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है। भूटान में देश के कुल भौतिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन आवरण रखने का प्रावधान है। अगर दोस्तों पूछा जाए किस देश में भौतिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन आवरण रखा जाता है, तो भूटान में दोस्तों, भूटान। शीर्ष 3 वन आवरण क्षेत्र वाले जिले जो है उत्तर, जो भारत में तीन जो है शीर्ष 3 वन आवरण क्षेत्र वाले हैं, सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर में, और निम्न 3 वन आवरण वाले क्षेत्र ये आपका संत रविदास नगर, भदोही जिसको बोलते हैं दोस्तों, संत कबीर नगर और मऊ, आजमगढ़ में, मऊ में दोस्तों, आजमगढ़ के बगल में। और शीर्ष 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले जो है वो शीर्ष 3 वनावरण प्रतिशत जिसमें सबसे ज्यादा है वो सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर दोस्तों, और निम्न 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं वो आपका संत रविदास नगर, मैनपुरी और संत कबीर नगर दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो प्रश्न है वो केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुई, केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई। पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये आपका अहमदाबाद में पड़ता है दोस्तों, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 1890 में कोलकाता में दोस्तों शुरू हुआ, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका 1916 में कोलकाता में भी स्टार्ट हुआ। ग्रीन टैक्स लगाने की सिफारिश जो की गई थी वो राष्ट्रीय वन नीति 2016 में, ये प्रश्न आपका पूछ सकता है कि 2016 में, ये करंट का क्वेश्चन है, ग्रीन टैक्स लगाने की सिफारिश जो दी गई थी वो आपका राष्ट्रीय वन नीति 2016 में दोस्तों, और राष्ट्रीय वन नीति जो 2016 में हुआ वो 1988 राष्ट्रीय वन नीति का स्थान लेगी, जब पहले 1988 में राष्ट्रीय वन नीति जो था वो 2016 का राष्ट्रीय वन नीति का स्थान लेगी, 1988 राष्ट्रीय वन नीति का स्थान जो है राष्ट्रीय वन 2016 नीति ले रही है। इसके बाद वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका, 1906 में इसका गठन हुआ और देहरादून में है दोस्तों ये, और ये 4 क्षेत्र केंद्र में है भारत के, ये बंगलौर, कोयम्बटूर और जबलपुर व बुरनिहित में आपका यह पड़ता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपका भोपाल में है 1982 में, MP की राजधानी भोपाल में दोस्तों, ये आपका जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ये 1982 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 6ठे हुए प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है PCS और TET के लिए। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ये आपका दिल्ली में 1976 से चला है दोस्तों। पिग्मी जनजाति, ये कौन सी जनजाति है, ये जायरे बेमिंग में अफ्रीका में पाई जाती है पिग्मी जनजाति दोस्तों। आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ लीजिए, जैव विविधता पढ़ लीजिए, तो आपको इसमें जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो, जहां आपका जो है ओलंपिक हुआ था 2016 में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है दोस्तों, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन को जैव विविधता को परिभाषित किया गया 1992 में दोस्तों। जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में WG रोजन ने किया, बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, WG रोजन ने, कब किया दोस्तों, 1985 में किया। भारतीय जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, भारत में जो है 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे पहला हो गया हिमालय क्षेत्र हो गया,
दूसरा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, तीसरा पश्चिमी घाट यम श्रीलंका हो गया, और जो है तीसरा आपका है सुंडालैंड आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो है प्रश्नों की अगली कड़ी में बढ़ते हैं दोस्तों। फरवरी 2016 में CEPF इसको बोलते हैं जो है क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड यानी CEPF ये जो है द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 36वां हॉटस्पॉट किस देश में है तो आप लगाएंगे कि उत्तरी अमेरिका के तट पर, उत्तरी अमेरिका के तट पर हुआ था हॉटस्पॉट घोषित 36वां। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है जो यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे लंबा जो जीवित, जो सबसे लंबे दिन तक जो जीवित वृक्ष रहता है सिकोया का होता है, वो कहां पाया जाता है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो है नॉर्थ कैलिफोर्निया में, उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है दोस्तों। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ण माना किसे जाता है? वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ण किसे माना जाता है? सिक्किम को वनस्पति शक्तियों का स्वर्ण माना जाता है दोस्तों। ये भारत में जैव विविधता का द्वार, प्रवेश द्वार जो है वो उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो आप जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में जो है भारत में जैव विविधता का द्वार प्रदान किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जैव मंडली रिजर्व तो आपका जो ये है, आपका ये रहेगा मनमार की खाड़ी। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है भारत में पाया जाता है कहां पे? पश्चिमी घाट में दोस्तों। उड़ने वाली छिपकली पाया जाता है पश्चिमी घाट। भारत में जो प्रमुख उद्यान है मैं उसको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान भारत में 105 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 532 है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में है दोस्तों 1936 में। जैव मंडल जो है आपका वो 18 है भारत में। यूनेस्को में शामिल जैव मंडल रिजर्व जो है भारत के 18 है। प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ कारण में गुजरात में 1982 में दोस्तों। और कुल पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है 182 है। प्रथम समुद्री पारिस्थितिक संवेदन क्षेत्र कच्छ की खाड़ी है दोस्तों। प्रथम समुद्री पारिस्थितिक संवेदनशील का क्षेत्र कच्छ की खाड़ी जो है कच्छ की खाड़ी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो आपका है दोस्तों केडीबुल लामजाओ जो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है वो जो तैरता है दोस्तों। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में दोस्तों। एक सींग वाला गैंडा जो प्रसिद्ध है काजीरंगा असम में दोस्तों। साइबेरियम क्रेन नामक जो प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है वो है केवला देव। राष्ट्रीय जैव विविधता का जो कार्यक्रम योजना कब बनाई गई? तो आपका राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम का योजना 2002 में बनाई गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये चेन्नई में दोस्तों, तमिलनाडु में चेन्नई में। इसके बाद जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शिक्षा मित्र यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया जाने वाला नवीनतम रिजर्व बैंक तो आपका है जो है अगस्ता मलाई रिजर्व क्षेत्र मार्च 2016 में। यूनेस्को में शामिल भारतीय रिजर्व क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी जो कि कर्नाटक केरल तमिलनाडु सबसे पहले 2000 में दोस्तों। इसके बाद सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? तो आपका करनाल में दोस्तों, करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की संख्या में। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिक संरक्षण ब्यूरो लखनऊ में है दोस्तों। इसके बाद जो विश्व विरासत संधि 1972 में क्रियान्वित महत्वपूर्ण पर्यावरण स्थलों की संरक्षित कार्यक्रम जो था 1972 में था विश्व विरासत संधि का। भारत के जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो विशिष्ट वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है वो कौन कौन से आप जान लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मामांस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड जो है, और पश्चिमी घाट भी उत्तराखंड में है दोस्तों। और महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। जुलाई 2016 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ? चंडीगढ़ जो पंजाब में है दोस्तों, हरियाणा में, हरियाणा की राजधानी है जो चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उत्तक जो सिक्किम में पड़ता है, और नालंदा विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया। जुलाई 2016 में किसको किसको शामिल किया गया? कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है इसको शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूप से मिश्रित स्थल के तौर पर शामिल किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो आपका मीबर थान वो आपका जो है लक्षद्वीप की पहाड़ी पर पाए जाने वाला एक पेड़ है।
लद्दाख, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, लद्दाख पे मीपरयान जो एक पौधा है वो लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पौधा है, पेड़ है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये भी करनाल और हरियाणा में, करनाल में, हरियाणा में 1972 में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र बना दोस्तों संस्थान। डॉल्फिन किस संघ का जंतु है? तो डॉल्फिन जो है अस्तनधारी है, मतलब जो है उसके पास अस्तन होते हैं, डॉल्फिन जो है अस्तनधारी संघ का जंतु है। देश का पहला हेरिटेज नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पहला हेरिटेज नेशनल पार्क बना वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में स्थित है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इसके बाद हम प्रमुख वन्य जीव संस्थान देखेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र यह आपका बेंगलुरु में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये जो है 2016 में पीसीएस में आ भी गया है आपका नई दिल्ली में दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर रेंजर कॉलेज ये देहरादून में है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये भी आपका देहरादून में है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये आपका इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपके जो है इसके बाद है एरियार अभ्यारण, पेरियार अभ्यारण ये कहां पे है? केरल में दोस्तों। चंद्रप्रभा अभ्यारण उत्तर प्रदेश में है, अन्नमलाई अभ्यारण, अन्नमलाई अभ्यारण तमिलनाडु में, मैंने ज्योग्राफी में भी बताया था। और इसके बाद जो है जलादपारा अभ्यारण पश्चिम बंगाल में, कान्हा अभ्यारण ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है कान्हा अभ्यारण। इसके बाद जो है प्रश्न, काजीरंगा अभ्यारण अब असम में है, भारत के जो प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण है वो जो है काजीरंगा अभ्यारण असम में है दोस्तों। औरंगबाग अभ्यारण असम में है दोस्तों, कमलांग बाघ अभ्यारण ये जो है कमलांग बाघ अभ्यारण आपका छपरावा है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय उद्यान पे हम राष्ट्रीय उद्यान पे आते हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में है वो आपका है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण भी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण है, संजय राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो आपको बाघ है बाघ अभ्यारण। इसके बाद हम ये सब मध्य प्रदेश के बता चुके हैं, अब हम बताते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ अभ्यारण है, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है बाघ अभ्यारण है। इसके बाद उत्तराखंड में जिम कार्बेट, जिम कार्बेट और राजाजी उत्तराखंड में हो गया। फिर कर्नाटक के जो राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नगर होल राष्ट्रीय पार्क इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो है आपका कर्नाटक में दोस्तों। जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इंदिरा गांधी इसी को नाम से जाते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है दोस्तों आपका। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका फेमस है वो नामदाबा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदाबा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में जो आपका इरा विकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का देखते हैं, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। गुजरात में जो है वो है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में जो है वो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू में पड़ता है। जो आपका हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में उसको मत लगाइएगा, ये आपका हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में दोस्तों। मिजोरम में जो दोस्तों आपका पड़ता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है। मेघालय में जो है नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान, नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान आपका मेघालय में पड़ता है दोस्तों, मेघालय। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये आपका नागार्जुन सागर श्री सेलम जो है तेलंगाना में है। दुर्लभ सफेद भागों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है नंदन कानन उड़ीसा में पाए जाते हैं। 3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व का प्रथम सफेद बाघ का रिजर्व का उद्घाटन किया गया, कहां? 3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के सतना जिले में सफेद बाघ का जो सफेद बाघ का प्रथम रिजर्व उद्घाटन था वो 3 अप्रैल 2016 में था। इसके बाद जो है पढ़ते हैं आगे दोस्तों, यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क बायो पार्क की स्थापना लखनऊ में हुई 2003 में हुई थी दोस्तों। जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कहां ध्यान देना है, इसका जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये स्वास्थ्य देखभाल कृषि बागवानी और पर्यावरण औद्योगिक अनुप्रयोग एवं ऊर्जा बेस पे रिसर्च करेगी, जो कि यूपी में है 2003 में बना था दोस्तों। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं बताता हूं आपको, संगारा हिरणों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आपका जो है केकल तामजाओ,
केकल लाम जाओ मणिपुर में संगारा हिरणों के राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो है फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? तो राष्ट्रीय उद्यान जब भी घोषित होता है बनता है तो विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव जो है पारित प्रस्ताव से बनता है, विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से। अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? तो मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान व निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और ये 15 द्वीपों में फैला हुआ है, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। तराई आर्क योजना के बाघों के संरक्षण से संबंधित है, तराई आर्क योजना दोस्तों। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र, अम्ल वर्षा, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो आपका है वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर जो। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है मैनचेस्टर इंग्लैंड में दोस्तों। इसके बाद आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है वायु गुणता, जो हवा की जो गुणता होती है सूचकांक, कौन सा गैस का प्रयोग होता है? वो आपका है CO, NO2, SO2, NH3, P6। ये आपकी जो है सभी गैसें वायु गुणता सूचकांक के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। तो आज भी मैंने जो है 100 से 110 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वायरमेंट के बताए हैं। उसमें जो है मैंने समसामयिक घटना भी जोड़ दिया है, बायोडायवर्सिटी के क्वेश्चन भी हैं, पशु पक्षियों पे क्वेश्चन है और स्वच्छता भी क्वेश्चन है। तो सभी प्रकार का जो मिश्रण है, सभी किताबों का मिश्रण हमारी टीम ने बहुत अच्छे से तैयार किया इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों। ये आज आपको मैंने बता दिया 120 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके यूपी टेट में से इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे और यूपी पीसीएस 2017 यानी 24 सितंबर को जो पेपर इन्हीं में से आएगा। तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से, जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन पे दबाए हैं दोस्तों, प्रेस किए हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, उन लोगों को नहीं पता है कि मेरा शेड्यूल क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वो मेरी पिछली वीडियो को देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे जो है क्लिक कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियो उन तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे हम मिलेंगे कल पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।